रघुवर ने फिर हेमंत पर किया हमला, कहा विफल है सरकार। जी हाँ, भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई। मंडल अध्यक्ष सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके रघुवर दास समेत मंडल में निवास करने वाले पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष व बूथ अध्यक्ष शामिल हुए। अपने संबोधन में रघुवर दास ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि डेढ़ वर्ष में राज्य सरकार की उपलब्धियां शून्य रही हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है, राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने का कार्य कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हेमंत सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। प्रदेश में गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था, बढ़ते महिला अपराध, बिजली की चरमराई स्थिति, नक्सलवाद जैसी समस्या सरकार की विफलता को चिन्हित करती हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, खनिज संपदा की लूट मची है, शराब माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है, शहर में धड़ल्ले से ब्राउन शुगर का धंधा फल फूल रहा है जिससे युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं व जनता पर फर्जी मुकदमे भी किए जा रहे हैं। प्रदेश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। ये सभी आरोप वो हैं जो रघुवर दास ने हेमंत सरकार के कामों पर और कार्यों पर लगाए हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।